क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बारी वनडे मैचों की है, जिसमें तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। हार्दिक पांड्या T20 के कप्तान थे, तो अब धवन वनडे टीम के कप्तान है और शिखर धवन की लीडरशिप में एक बार फिर से टीम मैदान मारने उतरेगी। अब वनडे टीम में कम से कम 6 बदलाव की कन्फर्म खबर आ रही है। जी हाँ, टीम में बदलाव होंगे और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 बदलाव तो कम से कम होंगे, उससे ज्यादा भी बदलाव हो सकते हैं। ओपनिंग में, ऑलराउंडर्स में, यहाँ तक कि बॉलर्स में भी भारी भरकम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो सीधे सीधे आपको दिखाते हैं, बताते हैं पहले वनडे के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टीम, जिसमें गब्बर ने आते कर दिया पांड्या की टीम में बड़ी छटनी। तो आप भी इस टीम पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो वनडे टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि T20 टीम में शामिल नहीं थे, और T20 में शामिल कई खिलाड़ी वनडे का हिस्सा नहीं है। खुद हार्दिक पांड्या वनडे टीम में शामिल नहीं है, तो ऐसे में क्या टीम पहले वनडे में होने जा रही है वो आपको बताते हैं। ओपनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा ही बदलाव होगा। जी हाँ, ईशान किशन और ऋषभ पंत ने T20 मैचों में ओपनिंग की थी और वहाँ गिल बेंच पर बैठे थे, लेकिन अब खुद कप्तान शिखर धवन यहाँ पर ओपनिंग करेंगे और उनका साथ देंगे शुभमन गिल, जो कि पिछली दो सीरीज से वनडे मैचों में ओपनिंग कर रहे हैं और काफी अच्छा खेल दिखा रहे हैं। तीसरे नंबर पर खेलने उतरेंगे संजू सैमसन। जी हाँ, जिन संजू को पांड्या ने मौका नहीं दिया तो यहाँ पर खेलेंगे और धवन उन्हें प्रमोट करके तीसरे नंबर पर प्लेस करने जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। चौथे नंबर पर खेलने आएंगे सूर्य कुमार यादव, जो कि लंबे समय बाद वनडे फॉर्मेट में खेलेंगे और सूर्या के लिए यहाँ पर बड़ी साहसिक पारी खेलने का भी मौका होगा। तो वहीं पांचवे नंबर पर खेलने आएंगे विकेट कीपर ऋषभ पंत, जिन्हें की यहाँ पर बड़ा मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो टीम के उप कप्तान भी हैं और यहाँ पर पंत को अपने बल्ले से जलवा दिखाना ही होगा। छठे नंबर पर दीपक हुडा खेलने आएंगे, जो कि एक बार फिर से बैटिंग ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे और हुडा का धवन भरपूर इस्तेमाल बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग दोनों ही जगहों पर करना चाहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ टीम में श्रेयस अय्यर को फिलहाल बल्लेबाजी में मौका नहीं मिलेगा, वही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें फिलहाल टीम से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उनका खेल लगातार खराब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सातवें नंबर की बात करें तो यहाँ पर दो विकल्प शिखर धवन के पास हैं। पहला है ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, जो कि T20 सीरीज में भी शामिल थे, तो दूसरे हैं बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर शहबाज अहमद, लेकिन सुंदर को यहाँ मौका नहीं मिलेगा। बॉलिंग में वैरायटी लाने के लिए शहबाज अहमद को मौका मिलेगा और वैसे भी पिछले कुछ वनडे मैचों में शहबाज ने काफी अच्छा खेल दिखाया, यानी कि सुंदर यहाँ पर टीम से बाहर होंगे, बाएं हाथ के शहबाज की एंट्री होगी। दूसरे स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल टीम में पहली पसंद है और युजी चहल यहां पर टीम में बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद तीन पेस बॉलर्स यहां पर खेलेंगे, जिनमें से दो ऑलराउंडर हैं। जी हां, पेस अटैक को लीड करेंगे शार्दुल ठाकुर, जो कि खुद एक बड़े ऑलराउंडर हैं। शार्दुल ने पिछली सीरीज में काफी अच्छा खेल दिखाया था, बल्ले से भी और गेंद से भी। वहीं उनका साथ देंगे दूसरे तेज गेंदबाज दीपक चाहर, जो कि लंबे समय बाद टीम में एक बार फिर चोट के चलते वापसी कर रहे हैं और यहां पर दीपक चाहर भी ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे और टीम के लिए नई बॉल से विकेट निकालने के साथ साथ निचले क्रम पर बैटिंग का भी उनके लिए जिम्मा होगा। तीसरे पेसर होंगे अर्शदीप सिंह। जी हाँ, T20 में शानदार खेल दिखाने वाले बाएं हाथ के बॉलर अर्शदीप सिंह को यहाँ पर तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में खिलाया जाएगा, ताकि बॉलिंग में वैरायटी आ सके। हालांकि यहाँ पर पेसर उमरान मलिक और कुलदीप सेन के रूप में दो और तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें फिलहाल बेंच पर ही बैठना होगा, लेकिन उमरान मलिक के लिए थोड़ा सा चांस बनता है, क्योंकि अगर मैच से पहले बारिश होती है, मैच में स्विमिंग कंडीशन ज्यादा होती है, तो उस हालत में उमरान मलिक को यहाँ पर मौका मिल सकता है और फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही स्पिनर खेलेगा, युजवेंद्र चहल और दीपक हुडा उनके लिए पार्ट टाइम में साथ देंगे और वहां पर शहबाज अहमद टीम से बाहर होंगे और शहबाज की जगह पर उमरान मलिक की टीम में एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर टीम में भारी भरकम बदलाव तय हो गए हैं, जो कि साफ साफ नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी पहले वनडे में भारत की टीम हो सकती है। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, इन बदलावों पर क्या कहना है और क्या ये टीम न्यूजीलैंड को हरा पाएगी, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का वो फॉर्मेट उखाड़ फेंक दिया जो कि पुराना था, लगातार फेल हो रहा था, चाहे वो एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप, और वो सब बदलते यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिल गई प्रचंड और सबसे बड़ी जीत, उनके ही घर में, उनकी कंडीशन में, उनके ही मैदान में। तो हार्दिक पांड्या ने इसके लिए बिना डरे बेखौफ होकर पांच बड़े तूफानी फैसले लिए, जो कि गेम चेंजर साबित हुए। हालांकि कुछ फैसलों का नतीजा धीरे धीरे भी आएगा।
हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा और पहला फैसला रहा सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर प्रमोट करके खिलाना। जी हाँ, वैसे तो सूर्या नंबर 4 पर खेलते हैं क्योंकि नंबर 3 विराट ही खेलते रहे, लेकिन यहाँ विराट नहीं थे तो माना जा रहा था कि विराट की तरह एंकर रोल में खेलने वाले श्रेयस अय्यर को नंबर 3 भेजा जाएगा और सूर्या नंबर 4 पर ही लगातार खेलेंगे। लेकिन पांड्या ने इस स्टीरियोटाइप फैसले को खारिज कर दिया, रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के फॉर्मेट को कूड़े के ढेर में डाल दिया और T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या को नंबर 3 भेजा, और जिससे सूर्या को ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलने का मौका मिला। और उसका नतीजा क्या हुआ वो हम सब ने देखा, सूर्या ने ताबड़तोड़ शतक लगाया और आखिर तक आउट भी नहीं हुए और हार्दिक का ये फैसला 100 नंबर के साथ पास हो गया। हालांकि सीरीज के लिए कोच बनाए गए लक्ष्मण भी चाहते थे कि सूर्या नंबर 4 ही खेले, लेकिन कप्तान पांड्या अड़े रहे और सूर्या पर नतीजा आप सबके सामने। दूसरा बड़ा फैसला, युजवेंद्र चहल को मौका। जी हां, न्यूजीलैंड की कंडीशन में लेग स्पिनर को खिलाना बहुत ही ज्यादा साहसिक फैसला था, क्योंकि रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ तो ऑस्ट्रेलिया तक में चहल को नहीं खिला पा रहे थे, जबकि न्यूजीलैंड में तो और भी ज्यादा सीमिंग कंडीशन होती है और भी ज्यादा ठंड होती है। लेकिन हार्दिक ने न सिर्फ चहल को खिलाया बल्कि चहल ने वो काम भी किया जो कि अक्षर पटेल और रवि अश्विन के बस की बात ही नहीं थी। बीच के ओवर्स में चहल ने विकेट निकाले। जी हां, चहल ने न्यूजीलैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज ग्लेन फिलिप को बोल्ड किया, वो भी तब जबकि फिलिप अकेले मैच को जिता सकते थे, खतरनाक दिख रहे थे, छक्के मार रहे थे। और उसके बाद जिमी निशम को भी आउट किया और यही दोनों विकेट मैच में टर्निंग पॉइंट भी साबित हुए। अगर ये दोनों यानी कि ग्लेन फिलिप और निशम आउट नहीं होते तो भारत 191 रन बनाकर भी हार जाता, जो वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। तो यहां पर हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया, बिल्कुल सटीक फैसला साबित हुआ युजवेंद्र चहल को लेकर। तीसरा बड़ा फैसला, दीपक हुड्डा से बॉलिंग कराना। रोहित शर्मा ने जब भी ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को खिलाया तो कभी भी डर के मारे बॉलिंग ही नहीं कराई। जी हाँ, रोहित इतने डरे रहते थे कि बाकी के बॉलर्स भले ही पिटाई खा रहे हो लेकिन रोहित शर्मा की हिम्मत नहीं होती थी कि दीपक हुड्डा से बॉलिंग करा लें। लेकिन हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ दीपक हुड्डा से बॉलिंग कराई बल्कि 3 ओवर भी दिए। और सबसे बड़ी और खास बात, दीपक हुड्डा जो कि रोहित शर्मा के लिए बॉलर थे ही नहीं तो उन्होंने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वो भी सिर्फ 10 रन देकर। आखिरी ओवर में तो हुड्डा हैट्रिक चांस पर भी पहुंचे, हालांकि हैट्रिक तो उनकी हुई नहीं लेकिन हाँ ओवर हैट्रिक जरूर हुई। ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिए और हार्दिक पांड्या का ये फैसला काफी साहसिक बड़ा माना जा रहा है और हुड्डा के कॉन्फिडेंस को भी काफी ज्यादा बूस्ट करेगा और अगले मैचों में हुड्डा और ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे और बल्लेबाजी भी और बेहतर करेंगे। यही नहीं, हार्दिक ने मैच के बाद कहा कि मैं चाहता हूं कि बाकी के बल्लेबाज भी गेंद से मदद करें, गेंदबाजी में अपना योगदान दें जिससे कि बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा हो सके। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इंग्लैंड है जहां पर 10 के 10 बल्लेबाज कहें कि बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं सारे, और हार्दिक ये खुद इंडिया के लिए भी चाहते हैं। चौथा बड़ा फैसला, स्पीडस्टर को मौका देना। जी हाँ, अब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ इतने पुराने फॉर्मेट से खेलते हैं कि उनको स्पीड की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सटीक लाइन लेंथ वाले बॉलर खिलाना चाहते हैं जिनकी खूब पिटाई होती है, जैसे कि 90 के दशक में वेंकटेश प्रसाद के साथ होता था। और यहाँ पर रोहित शर्मा होते तो हर्षल पटेल को ही खिलाते, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भुवी और अर्शदीप के साथ खिलाया मोहम्मद सिराज को, और सिराज सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे। 4 ओवर के कोटे में सिराज ने सिर्फ 24 रन दिए, 1 मेडन के साथ 2 विकेट लिए, और जो एक्स फैक्टर वर्ल्ड कप में मिसिंग था, टीम इंडिया कहीं दूर दूर तक उसे खोज नहीं पा रही थी, वो हार्दिक पांड्या यहां लेकर आए। और बहुत बड़ी और हैरानी की बात नहीं होगी अगर तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या उमरान मलिक को भी यहां पर खेलने का मौका दे दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।